हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आइए कुछ क्वेश्चंस करें। पहले जैसे हैं, क्या बोलूं मैं अब करने के लिए। अब एग्जामिन करिए डिफरेंशिएबिलिटी। 3 पॉइंट्स बोले उसने, 2 पॉइंट्स। प्लीज डू ऑल ऑफ यू। अगर इसको प्रॉब्लम होगा तो किस पॉइंट पे होगा? 1 पे। प्रॉब्लम, पॉसिबल प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम होगा तो कहाँ होगा? 0 पे। दोनों पे एग्जामिन करना है आपको, कर लो इसको। ये तो 1 पे तो है ही परेशानी, तो रहेगी ना। और इसको 0 पे प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए भाई, ज्यादा टाइम लगाना ठीक नहीं है। अगर इसको देखेंगे आप, ये कल भी आपको कराया था, एक्स मॉड एक्स को ओपन कर दो, नहीं तो आप वो लिमिट वाला लगा दो, कोई बात नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब x नॉन नेगेटिव है तो x के साथ x यानी x स्क्वायर, और x नेगेटिव है तो x के साथ माइनस x यानी माइनस x स्क्वायर। कल ही तो कराया है। ये पॉजिटिव साइड में ऐसे ले लीजिए, नेगेटिव साइड में जो x स्क्वायर बनेगा उसका नेगेटिव। तो दिख रहा है साफ साफ, नहीं तो पहला डेरिवेटिव निकाल के देख लो भैया, किया था ना कल। ये देखो, ये वही वाला तरीका है जो कल आपको बताया था भाई। 0 पे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव मैच कर रहा है। So this component, however, it was apparent to be non-differentiable, but it is differentiable. This is differentiable at 0. अच्छा ये बताइए, क्या इसके साथ वाले को 0 पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो फिर पूरा फंक्शन ही 0 पे डिफरेंशियबल हो गया। So this function is differentiable at 0. अच्छा जी, now what about at 1? At 1 पे इसको नहीं है परेशानी, लेकिन उसको तो रहेगी रहेगी। अब वो ऐड करते रहिए खूब, वो परेशानी तो जाएगी नहीं। So this is not differentiable at all. Are you clear? Ho gaya? Clear hai na aap logo ko? Matlab aise dil khush karne ke liye nahi bolna hai. Ye kariye zara. Please do exam 1 and minus 1. Product वाला limit दे सकता है, sum वाला तो नहीं देगा, है ना? आपने देखा भी था, कल भी देखा, आज भी देखा, कि अगर दो functions का individually sum हो रहा है तो अगर problem है तो रहेगी, but अगर product हो रहा है तो problem जा सकती है, एक की वजह से दूसरे की problem जा सकती है, अगर product हो रहा है तो। जो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन की प्रॉब्लम है वो 1 माइनस 1 पे है। अब देखिए वो जाएगी या नहीं जाएगी। कल वाला क्लास किया आप लोगों ने? हाँ हाँ, देखते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूँ, आप लोग अगर कुछ समझ ले तो बड़ी कृपा हो। अरे इधर आओ भाई, छोड़ो सब कुछ, लीव अपार्ट एवरीथिंग जी। अगर यहाँ वाला फंक्शन और यहाँ वाला फंक्शन देखने में बहुत अच्छा है, तो पहले डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। ये भी वैसे ही है, पिछला क्वेश्चन हमने ग्राफ बना के किया था मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन पे। भैया पिछला छोड़ो और अगले की बात करो। आओ जरा इधर एवरीवन, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, क्या हो गया? गलती ना हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? साथ आइए, मैंने बोला साथ आने के लिए। मॉड कैसे ओपन करते हैं? तो
अगर मॉड ए माइनस भी होगा तो कैसे ओपन करना चाहिए था? दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज माइनस ऑफ ए माइनस बी यानी बी माइनस है, कब? और ये कब? ए माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो वही चीज लिखे जा रहे, साथ आना पड़ेगा भाई। सो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वन ही देगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू लेस देन जीरो है तो ये साथ में क्या देगा भाई लोगों? ठीक है, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, बोलो। अब आप देख सकते हैं इंडिविजुअली कंपोनेंट्स बहुत बड़ी हैं, घबराओ मत, ये सब कुछ होगा, मल्टीप्लाई करके कर लीजिए ना, कौन सी आफत आ रही है, क्या आफत आ जाएगी, साथ आओ जरा। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आई ये चीज, ऐसे डिस्कशन नहीं किया जाता, ऐसे डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, पहले वाला एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल वन, और दूसरे वाला बन जाएगा इतना तो हमें पता है, मॉड एक्स लेस देन वन का मतलब बताइए, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस वन, यू नो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो ये इधर लिखा जाए, देख लो अच्छे से, फिर ना बोलना कि नहीं करा जाता। दिस इज माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन एंड दिस इज फॉर, ठीक है, क्लियर है? अब साथ आइए, ये अलजेब्रिक फंक्शन को तो ऐसे ही करना चाहिए, मुझे उल्टे सीधे कंसेप्ट लगाने के आ जाइए। तो एक्स इज लेस देन इक्वल माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल वन, ओके, अब समझ गए ना क्या करना है, बस कल वाला हो गया, तो अब करो ऐसे कर लो बजाय परेशान होने के, ऐसे कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। फिर आप वन पे देखिएगा, वन प्लस वन माइनस पे, और माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस, मच 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 बेटर, क्लैरिटी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कब बराबर है कब नहीं है, प्लीज डू ऑल ऑफ यू। भाई देखो, गड़बड़ नहीं करो, गड़बड़ नहीं करो, ठीक से करो, जोश में आने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से करिए, इतना अच्छा मेथड दे दिया आपको, नाइस फंक्शन वाला, इसका तो कंपैरिजन ही नहीं, अगर बात पकड़ में आ जाए तो, कि हर क्वेश्चन आपको उसी से होता हुआ लगेगा, लेकिन उससे उसके लिए आपको केयर दिखानी पड़ेगी थोड़ी, केयरलेसनेस नहीं, केयरफुलनेस। हाँ, सर थैंक यू वेरी मच, एग्जाम में मत कर देना ऐसा। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, खुद ही देख लो। हाँ जी, अब देख लेते हैं, सबसे पहले वन पे देखते हैं, एफ डेरिवेटिव एट वन प्लस एफ डेरिवेटिव एट वन माइनस, क्या व्हाट मोर वी कैन आस्क फॉर, वन प्लस वन के बाद तो थ्री माइनस वन प्लस टू, ये तो चार आ गया। हाँ जी, वन के लेफ्ट हैंड साइड में यानी वन से पहले, सो इट इज वन माइनस थ्री माइनस टू, सो दिस इज वन माइनस फाइव, ये तो माइनस फोर आ गया, मैच कर रहे हैं? बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, सो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल एट वन, पक्का भाई? ये इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, मेरी बात मान लो, ये मेथड बहुत अच्छा लगे। ओके, अब किस पे, किस पॉइंट पे एग्जामिन करना है आपको? वन माइनस वन पे, माइनस वन पे, सो लेट मी सी, एफ डेरिवेटिव एट माइनस वन के राइट साइड में और एफ डेरिवेटिव एट माइनस वन के लेफ्ट साइड में, माइनस वन के राइट साइड में यानी माइनस वन के बाद, कहाँ गया माइनस वन के बाद, ये रहा, इसमें माइनस वन डालेंगे तो वन माइनस थ्री प्लस टू, वन माइनस थ्री प्लस टू, तो इट इज थ्री माइनस थ्री जीरो, और माइनस वन के लेफ्ट में यानी माइनस वन से पहले इधर उसमें डालिए, सो अगेन दिस इज थ्री माइनस वन, लो रो लो थोड़ा सा, दिस इज डिफरेंशियबल एट माइनस वन बट नॉट डिफरेंशियबल एट वन। अगला क्वेश्चन फिर चैलेंजिंग है आपके लिए, मीठा चैलेंज कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, स्वीट चैलेंज, जब स्वीटनेस बोल दिया गया है, स्वीटनेस है मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप केयरफुली काम करेंगे तो।
भाई देखो, पूछना नहीं बिल्कुल भी। दोनों का डिफरेंशिएबिलिटी आपको जीरो पे एग्जामिन करना है, प्लीज ऑल ऑफ यू। डिफरेंशिएबिलिटी एट जीरो, प्लीज डू। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जैसा आप बोले। तो एक्स एक्स कैंसिल हो ही जाएगा, सो वी एंड विद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 1/x का होल स्क्वायर। हाँ, जिसका तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करता, गया। एंड व्हाट अबाउट जी एक्स माइनस डी जीरो डिवाइड बाय, हो गया ना आप लोगों से। सो एक्स एक्स कैंसिल फिर से, सो वी एंड विद साइन एक्स के साथ साइन 1/x। देखिए, आपको बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि प्रोडक्ट वाला दूसरे को बचा सकता है ना। देखिए, इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता। अगर यहाँ पे प्लस होता बीच में, फिर तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आता, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये साइन ने उसको आके बचा लिया। क्यों? दिस इज बाउंडेड एंड एक्स गोज टू जीरो, ये किधर जाएगा? ये पूरे का आंसर जीरो आ गया। प्रोडक्ट वाले में हो जाता है कई बार, पिछले क्वेश्चन में भी देखा, उससे पिछले क्वेश्चन में भी देखा आपने। सो दिस इज नॉट डिफरेंशियबल, बट दिस इज डिफरेंशियबल एट जीरो, एट जीरो। अगला क्वेश्चन फिर सेंसिबल तरीके से करने हैं। ये हो गया ना क्वेश्चन, दी अनदर सेंसिबल क्वेश्चन इज कमिंग। ऐसे क्वेश्चंस करके तो मजा आ जाता है कि थोड़ा सा आप चलें, थोड़ा सा हम। सेंसिबली करिए, देखिए फिर से, मतलब कुछ सामने के खड़ा हो गए, अगेन वहां प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं, वहां सम हो रहा है, तो आपको तो इंडिविजुअली देख ही लेना चाहिए। जरा कॉपी करना बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, कृपा दृष्टि बरसाइए। पहले मॉड ऑफ कॉस एक्स हो जाए। सो द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स सेज, मैं तो ऐसे जाऊंगा, ये 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, 5π/2, ठीक है ना कॉस? बिल्कुल ठीक है। -π/2 -π -3π/2 एंड सो ऑन। जरा साथ आइए, जैसे ही आपने कॉस एक्स का ग्राफ बनाया था वो तो ठीक था, जैसे ही आप यहाँ मॉड लगाएंगे, भैया जरा ध्यान लगाओ उधर, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो अभी मॉड लगाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, ये हिस्सा भी ऊपर, ये तो है ही ऊपर, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, हाँ आपकी आंखों में खून उतर आया, पता है मुझे, जो रेड कलर में दिख रहा है इसको देखो बस। ये किस चीज का ग्राफ है, कॉस या मॉड कॉस? मॉड कॉस किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होगा? जहां शार्प एज है। आप बैठ के फिर से लिमिट निकालने लग गए। कोई क्वेश्चन किया हमने लिमिट लगा के आज? एक भी नहीं किया, पता नहीं कितना प्यारा लिमिट से।
जी, नजर आया आप लोगों को, नजर के सामने जिगर के पास। चलो आंसर बताओ जरा, ये पहले वाला कंपोनेंट किन किन पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होगा? अरे कुछ बता ही नहीं रहे। प्लस माइनस पाई बाय टू, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2। हाँ जी, ये तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू है या नहीं है? बोल नहीं रहे हैं। सो पहले वाला तो करेक्ट है। वेट सर, इसका उसका क्या होगा? उसका थोड़ा ना कुछ होगा पाई बाय टू, तो वैसे भी परेशान नहीं करता। तो आपको दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम देगा तो 2 पे दे सकते हैं हद मार के, मतलब जब जहाँ x माइनस 2 0 हो जाए, नहीं तो देगा ही नहीं कभी प्रॉब्लम। तो ये तो करेक्ट है भाई, लिमिट भी लगा के देखेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ जी, अब बाकी बाकी कॉस ने जो देना से दे दिया, अब किसका क्या किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको? साइन साइन, और उसमें भी एंगल बड़ा अजीब सा है। ये लिखना है तो लिख लीजिए, ये पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट। ये दिस इज नॉट कंप्लीट सेट, कंप्लीट नहीं है तो क्या हुआ? आधा ही सही, वो प्लस वालों की बात कर रहे, खाली आधा ही सही। बढ़िया, ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट। अब इधर आ जाइए आप सभी लोग। देखिए उसका ग्राफ नहीं बनाना है आपको, अरे साइन का बनाओ यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। इधर आइए जरा आप सभी लोग। साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आ जाओ जल्दी से। दिस इज 0, दिस इज पाई, क्या है 2π? 2π है। देन 3π, जरा कॉपी करना बंद कीजिए। हाँ जी, आप ही से बात हो रही है, कॉपी करना बंद कीजिए नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके सामने साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, तो जरा मॉड साइन का ग्राफ बताएंगे कैसे बनेगा? मॉड साइन, मॉड साइन का ग्राफ मतलब नीचे का सब गायब कर दो। हाँ जी, किन किन पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशियबल दिख रहा है आपको? देखिए आपको ना थोड़ा सा लर्निंग लेनी पड़ेगी, आप समझे नहीं अभी। आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो 2 माइनस x है। अरे भैया, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, इसी के बिहाफ पे आप इसका ग्राफ या इसका वैल्यू, आप समझ रहे हैं? वो इसका अलग से थोड़ा ना करेंगे, उसी को तो पकड़ के चलते हैं। आपको मॉड में दे दिया साइन 2 माइनस x या x-2। अब मॉड साइन देखो ना पहले, उसके बाद देखेंगे साइन x-2 को। ये जरा मेरे को देख के बताइए, मॉड में साइन एक्स, मॉड में साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल? हाँ देखते रहो उधर, एक्स इक्वल टू 0π-π, 2π-2π, 3π-3π, ठीक है ना? दैट मीन एन पाए, एक्स इज इक्वल टू दिख रहा है आप सबको एन पाए, एर एन इज एन इंटीजर। अच्छा अगर इसकी जगह ये होता फिर क्या होता? क्या होता फिर? हो गया ना क्वेश्चन खत्म, दिस इज नॉट डिफरेंशियबल इफ। हाँ जी, अब क्या आएगा? एक्स कितना हो गया? n π+2 या 2 + n π, दिख रहा है ना? दिख रहा है, देखो दिख रहा है साफ साफ। बस हो गया, क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन ओवर, फर्स्ट एंड थर्ड। सो यू शुड अप्रोच लॉजिकली, बार बार बोला जा रहा है लॉजिक 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 लॉजिक। ये करिए जरा, ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अ क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन ओनली इफ यू कैन डू इट, नहीं तो बेकार ही है। देखिए जरा ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सोच समझ के करिएगा।
क्वेश्चन देख देख के आंसू आ रहे हैं, क्वेश्चन देख देख के आंसू पता है क्यों आ रहे हैं? कि इस तरह का फंक्शन आपने कॉन्टिन्यूटी के लिए किया है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो कभी किया ही नहीं है ना, रैशनल रैशनल पे चलिए करिए। ये आपकी उसके लिए आत्मा की शांति, सॉरी आपकी शांति, मन की शांति के लिए ये भी जोड़ देते हैं। ओके आइए, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी तो वही क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज जीरो, सो ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज वन। तो ये तो है ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा यहाँ आ जाइए ऑल ऑफ यू, किंडल गार्डन फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड चलते चलते टेंथ देन ट्वेल्थ देन मान लेते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यदि खाली वही ग्रेजुएशन कर सकता है या ग्रेजुएशन में एडमिशन पा सकता है जिसने ट्वेल्थ क्लास किया हो, एलिजिबिलिटी है या नहीं है या पैराशूट। फिर खाली वही फंक्शन डिफरेंशियबल हो सकता है जो कॉन्टिन्यूस हो, ये फंक्शन सिर्फ वन पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर ये डिफरेंशियबल होगा, पॉसिबल डिफरेंशियबिलिटी इज देयर एट वन, पॉसिबल डिफरेंशियबिलिटी एट वन। अगर ये पूछ लिया गया होता आपसे कि एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू टू, आउट ऑफ क्वेश्चन। अरे टू पे तब जाके डिफरेंशियबल होगा ना जब पहले कॉन्टिन्यूस होगा टू पे, तो टू पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो कह रहे हैं ना डाउट है इसमें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिखा एफ इज डिफरेंशियबल ओनली, तो डिफरेंशियबल ओनली से पहले पहले देख देख लीजिए कि है भी या नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो है। देखिए जरा कैसे आएगा, सो व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो। अब ये तो एफ एक्स कौन लिखेगा भैया, रैशनल या इरेशनल? तो एक काम कीजिए, क्या डाल दीजिए अंदर, जब एक्स रैशनल है रैशनल, और जब एक्स इरेशनल है। और क्या करेंगे, कुछ और थोड़ी ना करेंगे। हाँ जी, जब एक्स आपका क्या है रैशनल है, तो एफ एक्स कितना आएगा आपका एक्स को आपका लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक, अच्छा वन पे चेक करना। I'm sorry. अब बता रहे हो सब लिख दिया। चलिए सारा ही लिख दो दोबारा, सो डेरिवेटिव एट वन चेक करना है। करो भाई करो, तो दिस इज एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। हाँ जी थोड़ा केयरफुली चलिए साथ आइए भैया, जरा ध्यान दो उधर, एफ एक्स माइनस एफ वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। यस, डिनोमिनेटर का तो निचले हिस्से का कुछ नहीं हो सकता, ये एफ एक्स जब एक्स रैशनल है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एफ वन वन रैशनल नंबर है तो ऊपर वाले से वैल्यू आएगी, तो दैट मींस ये वैल्यू लेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। इज इट ओके? इट शुड बी। जब इरेशनल है तो एफ एक्स कितना है आपका, यू कैन सी, और वन पे आपने देख ही लिया कितना आ रहा है, वन पे यहां से आएगा। तो यहां से टू टू एक्स माइनस टू। हाँ जी यहां से भी वैल्यू कितना आया, ओह ये तो कहीं से भी देखो टू ही आ रहा है, ये आ गया। सो दिस इज डिफरेंशियबल एट वन, प्लीज वेट। ये सी बी और डी काफी लोगों ने कर लिया होगा। अब इसका आंसर वही उसी पे, उस खाली वही बंदा ग्रेजुएशन कर सकता है जो ट्वेल्थ क्लास करके आया है। तो ये फंक्शन क्योंकि वन सिर्फ वन पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जो पॉसिबल डिफरेंशियबिलिटी हो सकता था वो वन पे ही हो सकता था। इज इट ओके, समझ में आ गया आपको? ऑब्वियसली दिस इज ओनली एट वन, किसी और पॉइंट पे है ही नहीं डिफरेंशियबल।